अगर कहीं तो मैं टीम अनाउंस करूं। बिल्कुल। नाज़रीन, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान मोहम्मद आमर के फैंस के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। 5 बड़ी तब्दीलियां, यहां पर स्क्वाड भी शेयर किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर पाकिस्तान के तमाम मैचेस की लिस्ट भी शेयर की जाएगी, कब और कितने बजे होंगे तमाम तर अपडेट दी जाएंगी। अगर हम बात करें मोहम्मद आमर के हवाले से, अगर आप भी चाहते हैं मोहम्मद आमर पाकिस्तानी स्क्वाड में आ जाए, वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक वीडियो को देखना है क्योंकि यहां पर बड़ी अपडेट आप लोगों को देने वाले हैं। यहां पर स्क्वाड पहले देख लेते हैं जिसमें नंबर 1 अब्दुल्ला शफीक, नंबर 2 अमामुल हक, नंबर 3 की बात करें फखर जमान, नंबर 4 बाबर आजम कैप्टन जो कि तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है पाकिस्तान के, नंबर 5 रिजवान इन फॉर्म विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 6 इफ्तिखार अहमद, नंबर 7 साउद शकील मौजूद हैं, नंबर 8 की बात करें इमाद वसीम ऑलराउंडर की वापसी, नंबर 9 मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर, नंबर 10 फहीम अशरफ, नंबर 11 की बात करें यहां पर मौजूद हैं हारस रौफ, नंबर 12 पर नाम आता है शहीन शाह अफरीदी, नंबर 13 जमान खान पाकिस्तान के टैलेंटेड फास्ट बॉलर, नंबर 14 हसन अली, नंबर 15 की बात करें अबरार अहमद को पाकिस्तान टीम में रखा गया है। आपके ख्याल में आमर को लाना चाहिए या नहीं, कमेंट लाजमी कर दें। जराए का कहना है कि आमर की वापसी ऐन मुमकिन है कि हो सकती है अगर वो रिटायरमेंट वापस लेते हैं। तो यहाँ पर इमाद वसीम की भी वापसी देखने को मिली है, अब्दुल्ला शफीक की भी। पाकिस्तान का पहला मैच 6 अक्टूबर को नैदरलैंड के खिलाफ, दूसरा श्रीलंका के खिलाफ, तीसरा इंडिया के खिलाफ 15 अक्टूबर होगा। टोटल 9 मैचेस होंगे, दोपहर 1:30 पर शुरू होंगे।